हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल गधा मेथड। आज हमने लेकर आए एपिसोड 13, जो 2000 क्वेश्चन आपका कमिटमेंट किए थे पूरा करते रहेंगे। और आज एरर का साथ साथ कुछ वोकाब्स क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा डाला हूं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। और ये फंडा काम करेगा सीजीएल, सीएचएसएल और सीडीएस 2021 और हर साल के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन कौन सा ईयर कौन सा एग्जाम में आया, मैं सारे आपको दिखा दूंगा। इधर उधर का बात ना करके डायरेक्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। हम हमेशा फॉलो करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब से। आप मैं बताता हूं, पहले सब्जेक्ट चेक करते हैं, वर्ब चेक करते हैं, लगभग एरर इसी में मिल जाता है। नहीं मिलता फिर हम आगे जाते हैं। बट यहां पे आपको स्पेशल वर्ड दे दिया, आइदर वर्ड। मैं बार बार बोलना चाहता हूं, अगर आपका पास आइदर और दे दिया तो हमेशा हम इसको पैरेलल बनाएंगे। सर पैरेलल क्या है? पहले सेकंड को चेक करो। सेकंड का बाद देखो सॉल्व है भी वन, तो ये वर्ब वन है। तो ये और का बाद अगर सॉल्व है, आइदर का बाद भी ऐसे ही भी वन चाहिए। तो यहां पे देखो आइदर का बाद टू है, इसका मतलब गड़बड़ पक्का है। मैं बार बार बोल देता हूं, अगर हम जनरली लैंग्वेज में करते तो सेंटेंस होता आइदर कंप्रेंड और सॉल्व, बट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। रूल्स समझो, रूल्स हमेशा सेकंड को फॉलो करते हैं। यहां सॉल्व है तो यहां कंप्रेंड होना चाहिए आइदर का बाद, आइदर का बाद कंप्रेंड और का बाद सॉल्व, तब सही हो जाता। बट एक थोड़ा सा गड़बड़ी है, क्या ना, जब प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन का बात आता है तो दोनों साइड प्रीपोजिशन कैरी करते हैं। तो यहां पे टू आया तो यहां पे भी टू आएगा, होगा आइदर टू कंप्रेहेंड और टू सॉल्व। अगर प्रीपोजिशन नहीं होता तो हम डायरेक्ट चेक करके निकल जाते हैं, आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूजडे, दो बार प्रीपोजिशन लिखते हैं, एक ऑन में काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बट प्रीपोजिशन को छोड़कर अगर किसी भी मामला आपका पास है तो इसमें आप तुक्का मार के निकल जा सकते हैं। पहले और चेक करेंगे फिर आइदर चेक करेंगे। यह है हमारा नेशनल फंडा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। सर यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे के प्रीपोजिशन है, यहां पे इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग के लिए भी रूल आता है, ऑफ के लिए भी रूल आता है। फिर सर करेंगे क्या ना, जो पहला है उसको रूल फॉलो करेगा। पहला ऑफ का पीछे द ब्लॉग है, देखो सिंगुलर है, तो इसी के लिए वर्ब वाज है, देखो ये भी सिंगुलर है और ये सही है। ध्यान दीजिएगा, दो प्रीपोजिशन जब होते हैं, जब पहला जो आएगा वही वर्ब लेगा, नहीं तो सेकंड के लिए वर्ब नहीं आता। पहले में देखो क्या है, होल ब्लॉग है, तो इसलिए वाज होगा। कुछ लोग इंक्लूडिंग देख के मार देंगे, बट इंक्लूडिंग का पीछे फ्लैट है इसलिए यहाँ पे वेयर हो जाएगा, बट ऐसा गलतियां मत करना। ऑफ का पीछे ब्लॉक है तो यहाँ पे वाज होगा। दूसरा बात, वाज प्लस भीतरी है ही है, कोई बात नहीं। अगर डिस्ट्रॉयड दे दिया तो ये पैसिव बन गया, तो डिस्ट्रॉयड इन फायर नहीं होगा, ये बाय फायर होगा, बाय डन, डन बाय दिस, इसी तरह कंसेप्ट है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। तीन नंबर, रमेश हंस दिया जब उसको याद आया, जब उसको याद आया वाज रिमेंबरिंग नहीं होगा, खाली रिमेंबर्ड होगा, जब वो याद किया उसको हंसी आ गया। तो यहां पे ईडी जोड़ देना, यहां दोनों साइड भी टू ही करना, यहां पे आईएनजी जरूरी नहीं है। आईएनजी पास्ट कंटिन्यूटी को शो करता है, बट यहां पे सिंपल पास्ट चाहिए, जब वो याद किया उसको हंसी आ गया। इसी तरह जैसे आपका पुराना गर्लफ्रेंड का बारे में आप लोग याद करते हैं, आपको हंसी आ जाता है, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करें। द डॉक्टर एडवाइज्ड, देखो एडवाइज्ड का पेयर वर्ड हमेशा शुड होता है, इसको याद रखिएगा। देखो शुड दिया बट गलती कर दिया, बेड पे ले डाउन नहीं होता है, यहाँ पे ये होता है लाई डाउन, बट ये गलती कर दिया। ये ले मतलब होता है अंडा देना, जिसको मतलब समझते हैं अंडा देना, मुर्गी अंडा दिया ले डाउन, बट ऐसा नहीं होगा, किसी को हरा दिया वो भी ले डाउन होता है, बट ये पड़े रहना लाई डाउन होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें। द टीचर टोल्ड, कोई बात नहीं, ये टोल्ड है, दैट स्टूडेंट शुड हैव, शुड हैव भी पास्ट है, शुड हैव उड़ाव पास्ट होता है, शुड हैव का साथ भीतरी है, ये भी सही है, गए होंगे, इंस्टेड ऑफ का साथ आईएनजी होता है, बट ये है, बट यहां गलती कर दिया। हैविंग जब आईएनजी लेता है इसका मतलब होता है आफ्टर, बट सेंटेंस का मतलब समझो, स्टूडेंट टीचर सोचे
स्टूडेंट लाइब्रेरी गए होंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, ना हैविंग वेस्टेड टाइम, विदाउट वेस्टिंग टाइम होगा, हैविंग का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे जो वेस्ट है इसमें आईएनजी जोड़ दो, अब देखो सेंटेंस सही हो गया। आप हीरो हो जी, खाली देख लो, मैं बता देता हूं, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है एक नंबर, ये सीजीएल 2016, और जो तीन नंबर है ना ये भी सीजीएल 2016, और जो चार नंबर है ये चार नंबर डॉक्टर वाला सीपीओ 2016, सारे रिपीट क्वेश्चन है, आप खाली देखते जाओ, खाली देखते जाओ, ये रिपीट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जाके रखेगा, थोड़ा ध्यान देते जाइएगा, जो रूल्स बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। आई डोंट नो, कोई बात नहीं, आई डोंट नो होता है, बट यहां पे गलती कर दिया, वेयर जो है ये गड़बड़ी करेगा, वेयर अगर दे दिया कोई बात नहीं, बट कुड ही लिख दिया, अगर वेयर डू यू लिख देगा तो ये क्वेश्चन मार्क ले लेगा, अगर वेयर यू डू लिखेगा तो ये फुल स्टॉप लेगा। देखो कुड ही का जगह पे हम लिख देंगे ही कुड, दिस इज द कॉन्सेप्ट, वेयर ही कुड गिव, ये होगा सेंटेंस, तो इसका मतलब करेक्शन करेंगे कुड ही का जगह पे ही कुड हो जाएगा, ये इज द करेक्शन वर्ड, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा आप बताओ। तो यहां पे ऑप्शन गलत है क्योंकि लास्ट में देखो कुछ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप में कुड ही नहीं होगा, ही कुड होगा, ये बच्चा वाला सवाल, और ये बार बार रिपीट करता है, वो सीजीएल 18-16 दोनों में क्वेश्चन था, एक वाट लगा के पूछा था, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी, मैं बार बार बोलता हूं प्रीपोजिशन ये पहला आया, अगर पहला प्रीपोजिशन आ गया उसका पीछे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के लिए वर्ब आएगा, इंट्रोडक्शन के लिए अगर वर्ब आया तो यहां पे हैव नहीं होगा, क्या होगा हैज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन पीछे होगा वो वर्ब लेगा। आप क्या करते हैं ये पूरा पढ़ते हैं, आपको मन में डाउट होता है कॉफी एंड डी दिया तो आर होना चाहिए, इसी तरह नहीं जोतना, इसको जितना रफ टप मारोगे उतना बढ़िया एरर आप लोग बना पाओगे, ये मेरे तरफ से गारंटी है। इन स्पाइट ऑफ अ रोड ब्लॉक, सारे रोड ब्लॉक होने का बावजूद, कोई बात नहीं होता है, द गॉड्स अलाउड अस, कोई बात नहीं, अलाउड अस एंटर, देखो दो वर्ब हैं, आइदर यहां पे टू एंटर होगा नहीं तो एंटरिंग होगा, ये गलती कर दिया यहां पे, ही अलाउड मी टू डू दिस, यहां पे टू मिसिंग कर गया, एरर इसी पार्ट में है। दूसरा पार्ट यहां पे और भी एक एरर है, सर्चिंग फॉर आवर फ्रेंड नहीं होगा, सर्चिंग आवर फ्रेंड होगा, दिस इज द कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, बट वहां पे ही अलाउड मी टू डू दिस, ये होना चाहिए सेंटेंस। नेक्स्ट प्रोसीड करें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं लिख दिया ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ कोई बात नहीं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, सही है कोई नहीं, ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास, जब ईच एंड एवरी का बात होता है इनका साथ प्रोनाउन हमेशा हीज नहीं तो हर होता है, यहां पे स्टूडेंट्स है तो हीज को ही हम लोग प्रीफर करेंगे, यहां पे देखो दे आर लिख दिया तो दे आर का जगह पे हीज होना चाहिए, यहां पे वर्ब भी सिंगुलर होगा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, मैंने इसको 10,000 बार बोल चुका हूं, इसको मिला के 18,000 बार हुआ आप लोग के लिए। मैंने 9 नंबर छोड़ दिया, थोड़ा 9 नंबर देख लो, बाय द टाइम वेरी सिंपल, वी गॉट आवर टिकट, हम लोग का टिकट मिला, जब हम लोग एंटर किए तो टिकट मिला पास्ट है, जब हम लोग एंटर किए तो शो ऑलरेडी बिगन हो गया था, जब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट होता है तो वहां पे हाव हाज हार्ड आता है, तो यहाँ पे वाज बिगन का जगह पे होगा हार्ड ऑलरेडी बिगन, इसको थोड़ा याद करिएगा, मैंने बीच में छोड़ दिया, छोटा चीज है, ऑलरेडी होता है इट हैज ऑलरेडी डन, ये कॉन्सेप्ट होता है, जैसे पास्ट है तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि हार्ड ही यूज करने के लिए, जब हम पहुंचे ऑलरेडी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन दारुण हियर्ड द न्यूज, पास्ट में है बट उसको, ये भी पास्ट में है, ही कैंसल्ड ट्रिप, ये भी पास्ट है बट यहां गलती हो गया, रिटर्न बैक कभी एट ए टाइम नहीं होता, आइदर रिटर्न नहीं तो केम बैक होगा, ये कभी पेयर वर्ड एट ए टाइम नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सुपर फ्लॉज बोलते हैं, बट ये एट ए टाइम नहीं होंगे, रिटर्न बैक, एनफ, सफिशियंट,
इसी तरह एट ए टाइम कभी ये लोग यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट वाला, माय अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी, अभी हम बात करेंगे भूखा बेबी इसका यूजेस है, ऑन दैट हाउस कभी स्पेंड नहीं करते हैं अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, जब तक ये नहीं सोचते ये तब तक पैसा नहीं खर्चा करेंगे, ये फ्यूचर मांग रहा है। अनलेस का रूल है इसका बगल वाला प्रेजेंट होगा दूसरा वाला फ्यूचर हो जाएगा, तो यहाँ पे विल नॉट स्पेंड होगा डज नॉट स्पेंड नहीं होगा, अनलेस अंटिल का रूल समान है, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट पास्ट ये उसका रूल है। नेक्स्ट, बैंक्स वेयर डेवलप कोई बात नहीं, टू कीप कोई बात नहीं, पीपुल्स मनी सेफ आजकल तो ये नहीं है, एंड टू मेक दोबारा टू लगाना जरूर नहीं है, आई एम गोइंग टू स्लीप एंड रीड जैसे लिखते हैं आई एम गोइंग टू डू एंड गेट होता है, यहाँ पे टू दोबारा लिखना जरूरत नहीं है, बट पैरेलल स्ट्रक्चर आइदर और नाइदर नॉर होता तो टू दोबारा लिखना पड़ता क्योंकि वो लोग लेते हैं डबल प्रीपोजिशन, सिंगल प्रीपोजिशन वो लोग कभी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, वेरी सिंपल, धीरे धीरे आप पढ़ते चलो, लिखेंगे बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैंट कंक्लूड दैट, कोई बात नहीं बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सही है, हम लोग कभी कंक्लूड नहीं करेंगे। मेनी एक्सीडेंट कॉज बाय रेकलेस ड्राइविंग, वेरी सिंपल, आप थोड़ा आगे पीछे देखोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो मेनी एक्सीडेंट्स यहाँ पे सही है, कॉज्ड बाय होता है ड्राइविंग ये होता है, बट यहाँ पे गलती क्या कर दिया, यहाँ पे गलती कर दिया, ये पैसिव सेंटेंस है तो पैसिव सेंटेंस बीच में वर्ब चाहिए, एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड क्योंकि दैट का रूल है, आगे पीछे अलग अलग सेंटेंस है तो इसलिए दोबारा ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे, तो मेनी एक्सीडेंट आर कॉज्ड बाय ये होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीड करें, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशन, कोई बात नहीं हमको तो प्रीपोजिशन मिल गया ना, लगभग एरर इसी में होगा, देखो तो द स्ट्रेन सिंगुलर है, देखो इसका वर्ब कहाँ है, देखो वर्ब आर लिखा, ये कभी आर नहीं होगा यूज होगा, मैंने हमेशा बोलता हूं किसी भी जगह पे प्रीपोजिशन होगा उसका पीछे नजर डालो, देखो एरर वहीं पे ही होगा, इधर उधर पढ़ना जरूरत नहीं है, आप बेकार में मेहनत करते रहते हैं इसीलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूं। नेक्स्ट पोस्टिट करें 16, इफ द वर्स्ट ये स्पेयर वर्ड है, मैं भी बोल देता हूं, जितना फीलिंग से ये बैड से वर्स्ट हुआ, हैप्पी चार्ड जितना है उसका पीछे हम बी वर्ब यूज करते हैं, यू आर आई एम हैप्पी यू आर हैप्पी, इसलिए टू वर्स्ट नहीं होगा, टू हैप्पी कभी सुने हैं, टू बी हैप्पी होता है इसलिए टू बी वर्स्ट होगा, लोग उसको भीतरी मारेंगे, भीतरी नहीं है ये फीलिंग से है, सुपरलेटिव डिग्री का ऐसा नहीं है, दिस इज टू बी वर्स्ट ये होना चाहिए। उसका आगे प्रोसीड करते हैं, कहां तक गए, क्वेश्चन नंबर 17, लिखा द मैनेजर वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था कौन जल्दी पहुंचा दोनों का बीच में, दोनों का बैच में जल्दी पहुंचा तो कंपेरेटिव हो गया, ये चालाक क्वेश्चन है तो यहाँ पे अर्ली नहीं होगा, यहाँ पे अर्लियर हो जाएगा, केम लेटर लेट नहीं होगा लेटर होगा, यह कंपेरिजन दे दिया इसलिए यहाँ पे अर्ली का जगह पे अर्लियर हो जाएगा, थोड़ा सोच समझ के देखिएगा। नेक्स्ट, टॉप इट ग्लोस कैन फुल फ्यू नहीं होगा क्योंकि कस्टमर्स हैं तो इसलिए ए फ्यू कस्टमर्स होगा, फ्यू नेगेटिव होता है ए फ्यू पॉजिटिव होता है, कुछ कस्टमर्स हमें चाहिए इसलिए ए फ्यू मैंने जोड़ दिया। सपोजिंग नहीं होगा, सपोज दैट होता है स्टार्टिंग में, सपोज दैट नहीं होगा तो इफ आप जोड़ सकते हैं, सपोज दैट नहीं तो इफ दोनों सही होगा, बट दोनों एट ए टाइम मत जोड़ देना ये गलत हो जाएगा। देयर आर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली वन ऑफ हिज सिस्टर, गलती कर दिया, वन ऑफ हिज सिस्टर्स होगा इज ए मिनिस्टर, क्योंकि वन ऑफ का रूल है नाउन हमेशा प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, ये है वन ऑफ का स्पेशल रूल। देखो मैंने वोकैब्स लिखा बोला है इसका ऑपोजिट पूछा, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीडीएस बैंकिंग सबका वोकैब है, इंपॉर्टेंट है,
हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज क्वाइट वर्बोज। वर्बोज मतलब होता है जो एक्स्ट्रा बात करता है, जो एक्स्ट्रा टॉक करता है, उसको हम वर्बोज बोलते हैं। अननेसेसरी लिखता है, इसका ऑपोजिट होगा संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब होता है ब्रीफ, संक्षिप्त मतलब होता है शॉर्ट, उसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं, इसका ऑपोजिट होगा संक्षिप्त। नेक्स्ट लूसिड मतलब होता है क्लियर, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक वर्ड होता है कॉमिकल, कॉमिकल मतलब होता है कॉमेडी, उसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ये सारे उसका मीनिंग देखोगे तब जाके मार पाओगे, यहां पे गेस नहीं कर पाओगे आप लोग। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर टू में हिज स्मूथ मैनर, स्मूथ आप लोग जानते हैं, स्मूथ का अपोजिट आप सीधा मार के निकल जाना कौन सा होगा, रफ। सर एक ग्रॉप का मतलब भी रफ होता है, बट यहां पे सेंटेंस को देख के मारोगे, सेंटेंस में दिखा मैनर का सेंस में बोला, तो रफ अगर कोई आइडिया फाइडिया होता तो अलग बात है, बट जो मैनर के लिए रफ यूज करते हैं तो वहां पे ग्रॉप होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें तीन नंबर लिखा गया लाविस। लाविस का मतलब क्या होगा ना, लाविस का मतलब होता है बेसिकली एक्स्ट्रावेगेंट, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरीली खर्चा करता है, स्पेंड अननेसेसरीली टू शो ऑफ। क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, ना फ्रुगल होगा, ना वेस्टफुल होगा, ना बिग होगा, देख लेते हैं। तो यहां पे लाविस अगर दे दिया, इसका ऑपोजिट पूछा है, तो ऑपोजिट का मतलब होगा ये अननेसेसरी खर्चा करना, मतलब कंजूस टाइप का होता है, इसका मतलब होगा इकोनॉमिकल, फ्रुगल, जो बंदा सोच समझ के खर्चा करता है, एक्स्ट्रावेगेंसी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें दिस इज ओनली मोस्ट टीनोस। सर व्हाट डू यू मीन बाय टीनोस, इसका मतलब होता है कि छोटा सा आइडिया, छोटा थिंग, उसका ऑपोजिट क्या होगा, अबंडेंट, प्लेंटी, इसका मतलब कम, इसका मतलब ज्यादा। एनफ नेगेटिव के लिए भी होता है, एनफ पॉजिटिव के लिए भी होता है, इसलिए हम एनफ नहीं लिए, इसलिए हम अबंडेंट लिए, प्लेंटी सेंस में यूज होते हैं। पांच नंबर क्या बोला, द डिनर सेट शी प्रेजेंटेड टू मी। डिनर सेट होता है, ग्लास सेट जब होता है उसका पैकेट में लिखता है फ्रेजाइल, हैंडेड विथ केयर, सो ड्यूरेबल एनफ, ज्यादा लास्टिंग करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑपोजिट होगा फ्रेजाइल, सॉफ्ट है। कार्टून का ऊपर लिखते हैं फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, ग्लास है, बढ़िया से आप हैंडल करो, एयरपोर्ट जाते हैं तो आप फ्रेजाइल मार्क मारते हैं। ओर्न आउट, ओर्न आउट का मतलब होता है टायर्ड का सेंस में यूज करते हैं। डेलिकेट मतलब भी सॉफ्ट होता है, बट ये बिहेवियरल सेंस में यूज करते हैं, बट जब ग्लास आइटम होते हैं तो वहां पे हम फ्रेजाइल ही पसंद करते हैं, ये होगा फ्रेजाइल यूजेस। धन्यवाद आप लोग को, जय जगन्नाथ। ये था आपका एपिसोड 13 SSC CGL CHSL CDS के लिए सारे का एग्जाम्पल निकल गया, और मैं IB का भी छोड़ते जा रहा हूं, शायद पिछले बार एक एपिसोड छोड़ा था, अब ये एपिसोड भी छोड़ते जाऊंगा, बीच बीच में आपको IB भी प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए वरीड होना जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमें टाइम भी चाहिए, क्योंकि हमको फिर क्वेश्चन कलेक्ट करना होता है, किस लेवल में क्वेश्चन आएगा उसको डिसाइड करके आपको फिर देना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। यानी हाँ, हर हफ्ता में मैंने IB को एक दो एपिसोड, दो तीन छोड़ते जाऊंगा, उसके लिए चिंता करना जरूरत नहीं है। तब तक स्टे ब्लेस्ड, जय जगन्नाथ, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।